हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए देखते हैं क्या वो पर्सन आपके लाइफ में वापस लौटेंगे। गाइस हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड हो और आपको उनका इंतज़ार है। आप जानना चाहते हो कि यस यार आप उनसे सेपरेटेड हो, तभी तो ये रीडिंग देखते हो, ठीक है? सॉरी। सो हम देखेंगे कि क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, वापस आएंगे। सो चलिए देखते हैं क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे जो आपकी लाइफ से चले गए थे। उस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या हाल है उस पर्सन का आपके बिना, ठीक है? अगर हाँ आप दोनों सेपरेटेड हो तो क्या हाल है उस पर्सन का आपके बिना, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे, क्या हाल है उनका आपके बिना। गाइस ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी रीडिंग को वॉच कर सकते हो। और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। लाइक भी किसी का, शेयर भी किसी का। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो मैं कहना चाहूँगी कि आप उस पर्सन के बारे में सोचिए, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसके बारे में सोचिए, उस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। क्या वो पर्सन आपके लाइफ में वापस लौटेंगे, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे वो पर्सन, क्या हाल है उनका आपके बिना, खुश हैं, दुखी हैं, क्या है उनके एनर्जी क्या है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। एट ऑफ स्वर्ड्स से मिलना है लिब्रा एक्वेरियस का। इस हो सकता है फैमिली इशू है यहाँ पर, ठीक है? इनके फादर या कोई मेल काफ़ी ज़्यादा ना इनको क्या कह सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है इस पर्सन को, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना। मुझे लग रहा है यार ये पर्सन चीटर नहीं है, ठीक है? भले आपको लगता है कि ये पर्सन चीटर हैं, झूठे हैं, झूठे वादा किए हैं, हाँ हो सकता है कि ये पर्सन ने कोई वादा किया है और ये पर्सन पूरा नहीं कर पाए। क्यों पूरा नहीं कर पाए? क्योंकि कोई और, या तो इनके फैमिली के मेंबर, इनके फादर, भाई, ब्रदर या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? उन्होंने इन पर कंट्रोल किया और उन्हीं के वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई, आपसे अलग हो गए, ठीक है? ऐसा हो सकता है। तो राइट नाउ मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अपने सिचुएशन में बंधे हुए हैं, ठीक है? किसी और के कंट्रोल में है। ये पर्सन को देख सकते हो इनका सिचुएशन क्या है। क्या इस पर्सन को देखकर आपको लगता है कि ये पर्सन खुश है, हैप्पी है? कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है यार, ठीक है? चाहे वो इनके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपको पता है कोई थर्ड पार्टी तो है डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? इनके हस्बैंड, वाइफ, लवर या फैमिली के कोई मेंबर, फादर, कोई भी हो सकते हैं। सो ये पर्सन बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा। क्या आपको लग रहा है कि ये पर्सन खुश हैं आपके बिना? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये पर्सन फंसे हुए हैं, यस। कौन नहीं चाहेगा यार कि ऐसे एनर्जी से निकलना, बताओ मुझे आप, ठीक है? किसी भी तरह से इनको देखकर लगता है कि ये खुश हैं, हैप्पी हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है? सो ये अपने सिचुएशन में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, हैप्पी नहीं हैं, कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये पर्सन चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आप इनको निकालो, ठीक है? आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करो, या तो आप इनकी लाइफ में आओ, इनसे मिलने आओ, आप इनको इस सिचुएशन से निकालो। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आपकी तरफ से ये पर्सन एक्शन एनर्जी देखना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन कैसा एनर्जी है, ओके? और कुछ फीलिंग्स ये पर्सन आपको कभी कभी बताते हैं, कभी कभी शेयर नहीं करते। राइट नाउ तो ये पर्सन कुछ भी अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अपने मन में दबा के रखे हुए हैं कि इनकी चाहत है आपसे मिलना, आपसे यूनियन करना, आपको पसंद करते हैं, ठीक है? आपको अभी भी ये पर्सन पसंद करते हैं, बताना चाहते हैं कि इनका सिचुएशन क्या है, ये पर्सन कितने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं अपने सिचुएशन में, और कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है जहाँ पर ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। और ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने चीट नहीं किया है, आपको धोखा नहीं दिया है, ये आपसे इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, किया था, करते हैं अभी भी, और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं,
वाव लवर्स का कार्ड, ठीक है, यूनियन चाहते हैं आपसे, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, यूनियन चाहते हैं, बट इनका एनर्जी ऐसा है कि एक्शन नहीं ले सकते। देख सकते हैं आप, ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकते। कुछ लोग ले ये पर्सन इस एनर्जी से निकल कर एक्शन मोड में आएंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे, यस, आपके लाइफ में लौटेंगे, ओके, अगर कोई ये मेल है तो ये पर्सन लौटेंगे आपके लाइफ में, और अगर ये कोई फीमेल है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि डेफिनेटली आपके पर्सन ना किसी बुरे सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, और कुछ लोग लिए ये पर्सन खुद ही एक्शन लेंगे आपके लिए, ओके, एक्शन लेंगे और आपकी लाइफ में लौटेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन हो, ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और जब आपके लाइफ में आए तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर करें और कुछ चीज़ें ना बताएं, कुछ आपसे छिपा भी सकते हैं, ओके, तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, बट कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है, और ये चीटर नहीं है कि आपको बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, इनके सिचुएशन को समझो, ओके, ये इनकी एनर्जी है। सो यहाँ पर ऑल साइंस है, ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय गाइज़।